एलएस बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, जिसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एकदम फ्रेशर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 35,000 आप सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी पहले भी मैंने इसके लिए वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी लोगों को इसका फॉर्म अप्लाई करने में काफ़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन इस वीडियो में आप सभी को वो सारी प्रॉब्लम जो होंगी एकदम से सॉल्व हो जाएंगी और आप बहुत ही इजी तरीके से इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो पूरी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सभी चीज़ों को फॉलो करें ताकि आप इसके लिए अप्लाई कर पाएँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिलती रहे। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि एक्सिस बैंक की तरफ से न्यू एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 35,000 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट 2022। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई हैं, जो भी एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में, तो टोटल यहाँ पर 35,000 वैकेंसी रहने वाली हैं, जिसमें आपकी जो पोस्ट रहेगी असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क, फील्ड ऑफिसर, पीओ, रिटेलर, सिंगल विंडो क्लर्क और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जो कि इसमें शामिल की गई हैं। साथ ही मैं आप सभी को बता दें कि लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट आपको लोकेशन मिल जाएंगी। अब तो अपनी सूटेबल, जहाँ पे आपको जॉब सूटेबल हो वहाँ पे आप लोकेशन सर्च करके, फिल्टर करके आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे एज लिमिट 18 से 42 साल होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट मिलती है, और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पीओन वगैरह की जो वैकेंसी होती है वो 10th पास से यहाँ पे निकाली जाती हैं, तो 10th पास कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जो वैकेंसी रहेंगी वो आपकी 12th पास एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए रहने वाली हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त केंद्र या राज्य के किसी विश्वविद्यालय से अगर मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट हैं आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो मिनिमम सैलरी आपकी 27,400 से लेकर 1,04,600 पर मंथ रुपये यहाँ पे रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस दो स्टेज में होता है, इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन। पहले आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाता है, और साथ ही मैं आप सभी को बता दें कि जितने बार एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं उनमें से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एकदम फ्री रहेगी, किसी को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। साथ ही में कैसे आपको अप्लाई करना है तो आप सभी को बता दें कि 7 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है, इससे पहले आप सभी को अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है, वो मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ ही मैं आप सभी को बता दें कि इसके लिए अप्लाई करने के लिए एक्सिस बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्लिक ऑन द एक्सिस बैंक रिक्रूटमेंट 2022 मिलता है, वो भी मैं आप सभी को कंप्लीट दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ के साथ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऑनलाइन आपके फॉर्म भरे जाएंगे, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया 8 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 7 जून 2022 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें, डेट ऑफ इंटरव्यू अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, जैसे ही डेट ऑफ इंटरव्यू अनाउंस होगी तो आपको मेल या कॉन्टैक्ट डिटेल के जरिए आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा और आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नीचे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिलती है एक ऑनलाइन अप्लाई करने की नोटिफिकेशन की, तो इस लिंक पर पहुँचने के लिए आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट दिख रही है studyfordreams.in, इस वाली वेबसाइट को आपको गूगल में सर्च करना है। तो चलिए आप सभी को दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपको इसके लिए अप्लाई करना रहेगा। देखिए, सबसे पहले जाना है आपको अपने गूगल ब्राउजर में, और गूगल ब्राउजर में जाने के बाद आपको सर्च करना है स्टडी फॉर ड्रीम्स, जो कि आपको स्क्रीन की वेबसाइट पे भी दिख रहा है, इसे आपको सर्च करना है। सर्च करने के तुरंत बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टडी फॉर ड्रीम्स होम, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाली वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे। तो जब यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में देखेंगे ऊपर टॉप में, तो यहाँ पे आपको सर्च आइकन मिलता है, तो इसमें सर्च आइकन में आपको एक्सिस बैंक लिखना है और उसे सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो रिजल्ट है आपका एक्सिस बैंक का, ये लोगो आप सभी के सामने जो दिख रहा है, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आप इस वाली जो पोस्ट पे आ जाएंगे, और यहाँ पे जो पूरी जानकारी दी गई है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो पूरी जानकारी आप सभी को इसमें बताई गई है। तो अगर आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट गई जिसके बारे में आपको डाउट है, इस क्राइटेरिया हो, क्वालिफिकेशन हो, या और कोई भी अपडेट हो, तो उसके बारे में आप यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर आप
सभी को दी गई है। इसे नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, क्लिक हियर फॉर अप्लाई ऑनलाइन और डाउनलोड नोटिफिकेशन। तो हमें इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो आपको सिंपल क्या करना है कि अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना। अगर यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे मैंने आपको सर्वर 2 का लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। वैसे आपको सबसे पहले जो यूज़ करना है वो यही करना है कि ऑनलाइन अप्लाई वाला जो फर्स्ट लिंक आपको दे रखा है आपको इस पर सिंपल क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ आपके सामने, मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि मैं एक्सिस बैंक की जो रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट है उस वाली वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो गया हूँ। ओपन होने के बाद तुरंत यहाँ पर आपको कुछ डिस्क्लेमर मिलता है जिसमें आपको फ्रॉड जॉब वगैरह के बारे में बताया गया है कि आपको कोई फ्रॉड तरीके से कोई जॉब लेटर वगैरह देता है तो उसे आपको कैसे बचना है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि ये एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है इसलिए इसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड, तो आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो नीचे अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर एक्साइटेड टू वर्क विद अस बट डोंट सी योर पोजिशन लिस्टेड, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, अपलोड रिज्यूम कर सकते हैं। तो यहीं से सीधा जो आपका होगा फॉर्म अप्लाई भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से फॉर्म अप्लाई नहीं करना तो आपके पास दूसरा भी ऑप्शन रहेगा, वो भी आप सभी को बता देते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ गई, डायरेक्ट यहाँ पे रिज्यूम अटैच करके एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा तो जो दूसरी ऑप्शन आता है, दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि स्क्रीन पे जैसे ही आप आए तो आने के तुरंत बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आपको दिखा रहा है। जैसे ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर की बात करें, 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। RBLS बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है जिसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एकदम फ्रेशर इसके लिए अप्लाई। ऑफिसर सेल्स की निकली हुई है जिसमें 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे भी देख सकते हैं 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से आपको बहुत सारी यहाँ पे जो जॉब वैकेंसी है वो नीचे जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो अपडेट होती चलेंगी और नीचे आप सभी को दिखाता चलेगा। तो जिस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं और क्वालिफाई करते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जॉब टाइटल और रोल स्किल डाल के भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे लोकेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जैसे आपको जिसके लिए एक्सपीरियंस को सर्च करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं 0 ईयर के लिए करना चाहता हूँ तो 0 ईयर के लिए आपको दिखा देगा। तो देखिए 0 ईयर के लिए जितनी वैकेंसी निकली हुई है यानी फ्रेशर्स के लिए जितनी वैकेंसी निकली है वो सभी वैकेंसी इसने यहाँ पे दिखा दी है। आपको सिंपल क्या करना है कि जैसे कि ऑफिसर सेल्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं जिसके लिए 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए करना चाहते हैं तो आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करेंगे तो सामने आपको एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई, तो आपको क्या करना है अप्लाई पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है, और नई विंडो जैसे ही ओपन होगी उसमें आपकी कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपसे मांगी जाती हैं, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल, पिन कोड और बाकी की जो जैसे कि आई एम ए पर्सन विद डिसेबिलिटी येस और नो। तो ये पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे जेंडर करना है और यहाँ पे अपना जो रिज्यूम होगा वो यहाँ पे ब्राउज करके आपको अपडेट कर देना। तो जैसे ही आप करेंगे उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन करना है। उसके बाद आप सभी को बता दें कि HR टीम आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू करेगी और शॉर्ट लिस्टेड करेगी। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्ट लिस्टेड होता है तो आपको मेल आईडी या कॉन्टैक्ट डिटेल जो आपने फिल की है उसके जरिए आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा और आपकी जो इंटरव्यू डेट होगी वो आपको बता दी जाएगी एंड लोकेशन भी आपको बता दिया जाएगा कि इस डेट को इस लोकेशन पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही ईजी तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपने कंप्लीट स्टेप देखे हैं तो डेफिनेटली आप इस वैकेंसी के लिए बहुत ही ईजी स्टेप में अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, आगे भी ऐसी वीडियोस आप सभी को मिलती रहेंगी और आपकी हेल्प करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको एक जॉब मिल जाए। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।